रायगढ़ में पुलिस की स्पेशल टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद से की। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी में से मुख्य आरोपी अमितेश ने बीटेक की पढ़ाई की है, जो कि लेबर किस्म के लोगों के नाम से जारी सिम का यूज करके ठगी करता था। आरोप है कि 2019 में उसने एक शिक्षक से 29 लाख रुपए ठग लिए थे। पीड़ित शिक्षक की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की है। तो रायगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जो यहाँ पर पुलिस की गिरफ्त में ठग आ चुका है, लोन दिलाने के नाम पर यहाँ पर ठगी करता था। दो ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, गाजियाबाद से गिरफ्तारी की गई है। तो रायगढ़ पुलिस की स्पेशल टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी में से मुख्य आरोपी अमितेश ने बीटेक की पढ़ाई भी की है, जो कि लेबर किस्म के लोगों के नाम से जारी सिम का यूज करके ठगी करता था। आरोपी की 2019 में उसने एक शिक्षक से 29 लाख रुपए ठग लिए थे। पीड़ित शिक्षक की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी कामयाबी हासिल की है। आठ लाख और 20 लाख का लोन 0% ब्याज दर पर मिल जाएगा। उस वक्त इसको जरूरत भी थी, और अपनी एक टीम जिसमें खरसिया चौकी प्रभारी गौतम, कापू प्रभारी पैंकरा और उनके साथ में साइबर के कुछ लोग गाजियाबाद भेजे गए, जिसमें उन्होंने काफ़ी मेहनत करके उसका पता लगाया, वहाँ की लोकल पुलिस से सहयोग भी लिया और वहाँ पर फिर दो लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें से एक मुख्य आरोपी है जिसने बीटेक किया हुआ है, पढ़ा